दोस्तों, अभी आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी यही सोचकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कि मैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करूं, अच्छा से अच्छा अंक लाऊं, अच्छा से अच्छा परसेंटेज बनाऊं। और आपको अच्छा परसेंटेज लाना भी चाहिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ में एक बार आता है। ये कोई कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं जहां पर आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे। यहां पर तो आपके पास सिर्फ एक ही चांस है, तो आपको तो अपना पूरा दम लगा देना चाहिए अच्छा परसेंटेज लाने के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते वक्त करते हो तो ये आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा सकती है। ये आपको आपके मनचाहा परसेंटेज, जो आप परसेंटेज लाना चाहते हो, उससे आपको दूर कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको चार ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी करते वक्त भूल से भी नहीं करनी है दोस्तों, नहीं तो आपका जो सपना है अच्छा परसेंटेज लाने का, वो सपना ही रह जाएगा। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो एग्जाम की असली तैयारी होती है, जो एग्जाम की असली पढ़ाई होती है, वो एग्जाम के आखिरी वक्त में होती है। एग्जाम के आखिरी एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में होती है। आपने साल भर क्या किया, कितना समय बर्बाद किया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इस वक्त जमकर पढ़ाई कर लेते हो, जमकर मेहनत कर लेते हो दोस्तों, तो आप निश्चित एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। और जो बच्चा इस वक्त आलस कर जाएगा, जो इस वक्त अच्छे से नहीं पढ़ेगा, वो साल में चाहे कितनी पढ़ाई क्यों ना कर लियो, वो कभी भी अच्छा परसेंटेज नहीं लेकर के आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इस वक्त बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं अक्सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 80 या 90% स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले रिवीजन स्टार्ट करूंगा। वो इस वक्त रिवीजन नहीं करते, वो सोचते हैं कि 10 से 15 दिन जब एग्जाम का बचेगा तब उस वक्त मैं रिवीजन करूंगा। जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी भूल होती है दोस्तों, देखिए एग्जाम में सक्सेस होने का जो सबसे की पॉइंट है वो है रिवीजन। अगर आप एग्जाम से डेढ़ से दो महीने पहले रिवीजन स्टार्ट नहीं करोगे दोस्तों, तो ये आपको कभी भी अच्छा परसेंटेज नहीं लाने देगी। आप कभी भी 10 से 15 दिन में रिवीजन नहीं कर सकते हो, आपको कम से कम डेढ़ से दो महीने चाहिए रिवीजन के लिए। तो आप क्या करो कि आप इस वक्त जो भी पढ़ रहे हो, आप आगे भी पढ़ते चलो, सिलेबस को भी कंप्लीट करते चलो और पीछे से रिवीजन भी करते चलो दोस्तों। ये है पढ़ने का सही तरीका दोस्तों। आप बाद के भरोसे मत छोड़ो कि मैं एग्जाम के आखिरी वक्त में रिवीजन स्टार्ट करूंगा, नहीं दोस्तों, आपको अभी से रिवीजन स्टार्ट करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेकर के आओगे। दूसरी चीज, एग्जाम टाइम में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो बहुत सारे ट्यूशन पकड़ लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग टीचर से पढ़ने लग जाते हैं, मैथ्स से अलग, साइंस के अलग, इंग्लिश के अलग। तो दोस्तों देखिए, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समय को बर्बाद करेगा दोस्तों। आपको कभी भी मल्टीपल ट्यूशन नहीं पढ़ने दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैथ की ट्यूशन रखनी है आपको, बाकी अदर सब्जेक्ट में आपको सेल्फ स्टडी करनी है दोस्तों। आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे एग्जाम टाइम में, आपका एग्जाम में सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा रहेगा दोस्तों। कभी भी आप 3-4-5 ट्यूशन पढ़ रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ आप घर वालों के पैसे बर्बाद करो, इससे कभी भी आप अच्छा परसेंटेज नहीं ला सकते हो। अच्छा परसेंटेज आप जब खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद से पढ़ाई करोगे, खुद पर ध्यान दोगे, तभी आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। तीसरी चीज, एग्जाम टाइम में आपको कभी भी रेफरेंस बुक से आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी, जो आपका लोकल गवर्नमेंट बुक है, आपको उस बुक से पढ़ाई करनी है। रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा दोस्तों, और एग्जाम टाइम में एक एक मिनट, एक एक घंटे की वैल्यू होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, रेफरेंस बुक जितना भी उसको साइड कर देना, और आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अदर बुक के क्या फायदा होने वाला है, जब क्वेश्चन ही नहीं आने वाले अदर बुक से, सिर्फ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी से ही आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। तीसरी चीज, कोई भी डाउट्स आए तो आप उसे तुरंत टीचर से क्लियर करें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उन्हें कोई डाउट आता है तो वो अपना डाउट कभी क्लियर ही नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि यार डाउट पूछूंगा तो, उन्हें डाउट पूछने में तो शर्म आती है, या इग्नोर कर देते हैं कि चलो डाउट ही तो बाद में क्लियर कर लूंगा, ऐसे एग्जाम आ जाता है। जरा सोचो कि उस डाउट वाले पार्ट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी, अगर डाउट आए तो तुरंत अपने टीचर से क्वेश्चन करो दोस्तों, तुरंत अपने टीचर के पास जाओ, अपना डाउट क्लियर करो। आप चाहे खुद से करो, अपने फ्रेंड से पूछ कर करो, जो भी डाउट आए उसे कभी इग्नोर मत करो दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपके लिए। तो जो भी डाउट आए आपको उसे तुरंत क्लियर करना है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।